अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन मैं डॉक्टर मंसूर अहमद गुलज़ार। नाज़रीन वीडियो के स्टार्ट में आप इस बच्ची की आंखों को देख रहे हैं। इनको ये बेसिकली इसको मेडिकल टर्म में हम अल्सरेटिव ब्लेफेराइटिस कहते हैं। इसमें होता क्या है, बच्चे की आंख में बहुत ज़्यादा खुश्की होती है। अब खुश्की में वाले लापरवाही करते हैं या एक ऐसे इलाके में होते हैं जहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ होते नहीं है। अब वो खुश्की बढ़ते 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 अल्सर की शक्ल अख्तियार कर जाता है। इवन किस बच्ची के आपको वीडियो में शायद ना इस गोले से खून निकल आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही जब अल्सर बन जाता है तो आँख से खून निकल आता है, ठीक है ना। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्म हो जाता है, ठीक है ना। अब इस केस में आपने करना क्या है, जैसे कि ये के चाचू बैठे, इनको पहले भी मेरे पास ये लेके, इनको मैंने पहले भी बताया था कि जब आप मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो 2-3 हफ्ते के बाद आपको ऐसे महसूस होगा कि आपके बच्चे की ठीक हो गई है। लेकिन एक ऐसी बीमारी है जब आप दवाई छोड़ देते हैं दोबारा वो अपनी पहली पोजीशन पे आ जाता है। ये खुद बता रहे हैं, 1-1.5 महीने इनने दवाई इस्तेमाल की, मेरे ख्याल में बिल्कुल महसूस हो गया था कि ठीक हो गया, जब छोड़ दिया दोबारा आ गया। अब ऐसा होता क्यों, बेसिकली ये एक ऐसी बीमारी है, इसकी दवाई आपको कम अज़ कम 8-9 महीने हो सकता है 1 साल तक मुसलसल इस्तेमाल करना पड़े ताकि वो जो खुश्की है वो मुकम्मल तौर पर जड़ों से ख़त्म हो जाए। अगर आप ऐसा नहीं करते, आप एक महीने इस्तेमाल करते हैं छोड़ देते हैं, वो दोबारा आ जाते हैं। इसका नतीजा क्या पड़ता है, बच्चे के आँख में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, बच्चे की आँखों में खारिश होती है, बच्चे जो है ना आँख में क्या कहता है, उसके बाद बोलना बंदना मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। आखिर में इसके इससे नज़र का भी मसला हो सकता है। अगर ऐसा भी कोई मसला हो, डॉक्टर जो भी रिकमेंडेशन दें, जो भी एडवाइस दें, उसके मुताबिक दवाई इस्तेमाल करें। ऐसा नहीं करना आपने 2 हफ्ते या 3 हफ्ते के बाद दवाई बंद कर देनी। आपने कम से कम 8-9 महीने 1 साल तक दवाई इस्तेमाल करते रहना है, जब तक डॉक्टर नाम ठीक आपको दवाई बंद कर दे तब तक आपने दवाई बंद नहीं करनी, ताकि आपके बच्चे की नज़र जो है ना दया ना हो उसके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।